इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। जिन्नारदेव में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अपनी 12 मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिन्नारदेव के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया और एसडीएम एमआर धुर्वे और जिन्नारदेव विधायक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान नर्सिंग एसोसिएशन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बोल इंडिया न्यूज के लिए जिन्नारदेव से मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट। आज आपका जो हड़ताल है किस संबंध में? आज हमारी जो हड़ताल है हमारे संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा सारी जगह की जा रही है, उसी के इसमें अनिश्चितकालीन हम लोग ने हड़ताल किए हैं हमारे 12 सूत्री मांगों को लेकर। क्या क्या मांगे इसमें आपकी? हमारी 12 सूत्री मांगों में हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए, सेकेंड ग्रेड में हमें लाया जाए और भी बाकी है जो ये है हमारे पास में जो ज्ञापन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बढ़ के बता देना इसमें इस चीज़ को लागू नहीं किया गया है, अन्य प्रदेशों में इसे लागू भी कर दिया गया है और इसमें लेटर भी मिल गया है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से हमारे सिर्फ आश्वासन और विचार विमर्श पे ही हमारी सरकार अभी सहमत है। हमको हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें लागू चाहिए, लागू करना। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होता है आपका?